हरियाणा में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अंबाला में मनोहर लाल ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सियासी लड़ाई है ये बीजेपी वर्सेस जेजेपी हो गई। अब सोचकर देखिए कि पहले दो पार्टियां गठबंधन में सरकार चला रही थी, एक दो तीन नहीं बल्कि लगभग 4.5 साल तक, और एक दूसरे की तारीफ किया करते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि एक अचानक से चुनाव के दौरान एक दूसरे के सियासी दुश्मन बन बैठे। दुष्यंत के 400 पार वाले बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी 370 सीट और बीजेपी के घटक दल 30 सीट जीतेंगे ही जीतेंगे, ये एक बार फिर से दोहराया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। भले ही अभी हम देख रहे हैं कि इस खेल के अंदर हम एक पाले में खूब डटकर लगे हुए हैं, सामने वाले पाले में तो उनकी टीम और उनके लोग उतरने के लिए अभी तैयार भी नहीं हैं, और उनके कार्यकर्ता भी कितने परेशान होंगे मैं अनुमान ही लगा सकता हूं। एक महीना भर से उनकी तैयारी चल रही है कि आज लिस्ट आएगी, आज कैंडिडेट आएंगे, आज ये होगा, जबकि हमारा एक प्रकार से 60% से ज़्यादा एक अभियान पूरा हो चुका है। लेकिन अगला जो महीना है उस महीने में भी हमारे कार्यक्रम इसी प्रकार से तेज़ी से चलते रहेंगे, और 25 मई को यानी एक प्रकार से लोकतंत्र का जो एक बहुत बड़ा उत्सव है ये पूर्ण होगा, और सब लोग वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर हमारी कैंडिडेट बंतु कटारिया को मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे।